राधे राधे हरे कृष्ण भक्तों, आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त दिन शुक्रवार को एवं कथा करते हैं। यह एकादशी साल में दो बार आती है। पहली पुत्रदा एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कहलाई जाती है, जो पौष माह के शुक्ल पक्ष में आती है, और दूसरी पुत्रदा एकादशी सावन माह में आती है। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा कर यह बताइए कि श्रावण मास की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है और उस दिन कौन से देव की पूजा होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। श्रावण मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली है। इसमें समस्त मनोकामनाएं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण की पूजा होती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली, अथवा यह व्रत निसंतान लोगों को संतान प्रदान करने वाला है। हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी से महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय भद्रवत नामक नगरी में सुकेतु मान नामक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। राजा के पास धन वैभव आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु राजा के कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और उनकी पत्नी दोनों चिंतित रहते थे। राजा यह सोचकर चिंतित रहते थे कि हमारा पिंडदान कौन करेगा, बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। राजा यह सोचते हैं कि अवश्य ही मैंने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए मेरी कोई संतान नहीं है। राजा को हर समय चिंता में डूबा देखकर रानी शव्या भी हर समय चिंतित रहती थी। एक दिन राजा चिंता में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्महत्या को महापाप समझकर वह अपना अश्व लेकर सोच विचार में डूबे हुए जंगल की ओर चले गए। वहां पर अनेक प्रकार के पशु पक्षियों पेड़ पौधों को देखकर राजा आगे चले जा रहे थे। राजा ने हाथी और सभी पशुओं को अपनी माता और पिता के साथ देखा। यह सब देखकर राजा सोच में पड़ गए कि मैंने अनेक यज्ञ ब्राह्मण भोजन कराया, परंतु फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ। यह सोचते हुए राजा को आधा दिन बीत गया। राजा भूख प्यासे व्याकुल थे और पानी की तलाश में भटकते हुए सरोवर की तरफ चले गए। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे और बदक के प्यार कर रही थी। राजा ने नजर घुमा के देखा तो सरोवर की एक और मुनि का आश्रम बना हुआ था। उसी समय राजा का दाया अंग फड़कने लगा। राजा ने शुभ संकेत जानकर घोड़े से उतरकर ऋषियों के आश्रम में चले गए। आश्रम में पहुंचकर राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और राजा ऋषियों के समक्ष बैठ गए। राजा को देख मुनियों ने पूछा, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है। राजा ने पूछा, हे महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, कृपा कर बताइए। तब वह ऋषि बोले कि हे राजन, आज से ठीक 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम विष्णुदेव हैं, हम इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा बोले कि हे महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। यह सुनकर मुनि बोले कि राजन, श्रावण मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी। यह एकादशी निसंतान को संतान प्रदान करती है। आप अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करें, भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा को संतोष हुआ और उन्होंने महल में जाकर रानी शव्या को सारी बात बता दी। और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा रानी दोनों ने पुत्र इच्छा से पूर्ण विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन व्रत का पालन किया। कुछ दिनों के बाद रानी शव्या ने गर्भ धारण किया। 9 महीने पश्चात उनके यहाँ अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सुंदर, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्व उत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी का महत्व पढ़ते या सुनाते हैं, वह संसारिक सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और प्रारंभ समय क्या एकादशी का, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना मत भूलिएगा। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए राधे राधे हरे कृष्ण, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।